ये राइड के लिए आप मतलब बहुत दिन से वेट कर रहा था, ठीक है कानपुर जाएगा राइड करेगा 300 मतलब मैप में दिखा रहा है 340 किलोमीटर समथिंग में 340 किलोमीटर यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है जो मेरा पी जी है उसका लोकेशन डाला है तो और रास्ता यहाँ से अभी ई रोड का रास्ता से जाता है ना तो ई रोड में कोई है जो उसको बोला है कि भाई देखो हम चलने आएगा क्योंकि हम बॉडी से क्रॉस होते हैं तो बोला हाँ ठीक है आ जाओ हम वेट कर रहे हैं तो उसमें कॉलेज शुरू होने से पहले वहाँ पहुँच गए आप सोचा था सुबह 6 बजे निकलेगा ट्रैफिक नहीं रहेगा आराम से निकल जाएगा कम से कम 50-60 किलोमीटर आराम से चले जाएगा 1200 किलोमीटर मतलब आराम से 1.5 घंटे में खत्म कर देगा करके सोचा सोच के निकलेगा करके और 5:30 का अलार्म रखा उठा भी उसके अलार्म ऑफ करके हम चुके 2 मिनट सो जाता बोल के सोया वाला 1 घंटा के लिए सो के बराबर 6:30 उठा बराबर फुल टैंक जो है मेरा 1000 रुपये में हो जाता है तो 1000.49 पैसा ठीक है हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1000 रुपये में गाड़ी पहुँचता है कि नहीं देखते आई गेस मेरे को 100-200 का और करना पड़ेगा अभी के लिए फुल टैंक हो गया और ट्रैफिक देगा ये ट्रैफिक का पीछे है अब करता है और बैंगलोर में इससे ज़्यादा ट्रैफिक है भाई जस्ट ई रोड पहुँचने ही वाला है और मतलब गर्दन में दर्द देना शुरू हो गया मेरा क्योंकि गोप्रो को रखा है ना उसका पैडिंग एकदम लूज़ हो गया तो वो अच्छे से एकदम चीक में बैठता नहीं अगर चीक में बैठेगा तो मतलब गर्दन दर्द नहीं देगा ये लुढ़क लुढ़क के नीचे आता है सरक सरक के नीचे आता है तो गर्दन दर्द देता है तो ये हम सोचते कि गोप्रो को अंदर रख देता जब रिकॉर्ड करने का बारी आएगा तब रिकॉर्ड कर लेता सब निकाल के रिकॉर्ड कर लेगा ओके गाइस चलते अभी हम जस्ट 20 किलोमीटर ही है शायद हाँ 18 किलोमीटर ही है सब आपको रुकेगा 200 वगैरह मिलते ये देखो ये है हमारा बेस्ट फ्रेंड दृश्या मैडम ये मैडम से मिलने के लिए आया ई रोड एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर आया तेरे से मिलने के लिए देख लो हेलो सो गाइस दृश्या से मिला दृश्या से मिलने के बाद फिर वहाँ से निकल गया बात बात करा चाय वाय किया और निकल गया तो हाईवे पकड़ के हम अंदर आया और एक गलत रास्ता लेके मतलब गलत हाईवे ले लिया जो सेलम जाता सीधा मेरे को एक्चुअली सेलम बाईपास जाना था हम सेलम सिटी जाता वाला हाईवे में चढ़ गया तो अभी एक छोटा सा शॉर्टकट मिला ये रास्ता से जाएगा तो मतलब बाईपास पे घुस जाएगा लेकिन यहाँ रुका तो हम ना ये एक ब्रिज देगा और वहाँ पे मंदिर और वो छोटे छोटा जो रहता ना नाव वगैरह वो देखा था थोड़ा ठीक है वीडियो ले ही लेता है भाई ये रास्ता देखो जूम तो नहीं होता इसमें दूसरों में लेकिन मेरे को बोला ना हम पहले हमेशा बोला हर वीडियो में बोला जब इस तरह रूट आता दो साइड में जो पेड़ है और उसका बीच से रोड जाता है वो भाई बहुत पसंद है कैमरा में अलग दिखता रहेगा लेकिन रियल आंकी में बहुत अलग दिखता रहेगा बहुत सही दिखता है भाई साहब ये तो लेक देखो मेटूर साइड में है गूगल मैप साला इसका अंदर लेके आ गया मेरे को विलेज के अंदर लेके आ गया हम वही अगर NH 544 में ही रहता था तो आराम से क्रूज़ करके हम पहुंच जाता था लेकिन फास्टेस्ट रूट बोल के एकदम गांव के अंदर लेके आ गया अभी देखते हैं नेशनल हाईवे पकड़ सकता तो पकड़ेगा तो फिर हम छोड़ेगा नहीं फिर उतरेगा नहीं बस यही दुकानों में भाई ब्रिज अब तो क्या ही मिलता है ये ब्रिज
हम जो लेक आप लोगों को दिखाया था ना वही लेक है ये। वहाँ पे उसको वो प्रेशर देखो ना वहाँ पे भाई, अगर उसमें सब गया ना इक्की भर में चले जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, बॉडी तक नहीं मिलेगा। हाँ कसम ये एक्चुअली ना पत्थर वत्थर का पीछे वो टकरा टकरा के उतना प्रेशर बनता है, अगर वो पत्थर सब नहीं रहेगा इक्की बार में ऐसे निकल जाएगा फ्लो में, पत्थर रह रहे टकरा टकरा के इतना प्रेशर बनता है। देखो दिखता तो रहेगा कैमरा में थोड़ा बहुत वाइट वाइट से। चलो निकलते। हम ऐसे ही हाईवे में जाते ही था, हाईवे चढ़ गया था जो गांव से चल चलते हाईवे पे आ गया। हाईवे में जाते जाते देखो ना मेरे को क्या दिखा, इतना बड़ा भाई, क्या बड़ा है ये पता है क्या है, विंडमिल का जो विंग रहता है ना वो एक पंखा है, वो ये शायद छोटा साइज का है, बड़ा साइज का नहीं है। इतना बड़ा है देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा है। हाँ कैसे और 3 घंटे में पहुँच जाएगा बैंगलोर, तो निकलते। तो गाइस रुका था अभी और यहाँ पे खाना खा लिया, खा के बस थोड़ा देर बैठा बैठ के निकल गया, थोड़ा कमर सीधा किया और अभी निकलेगा यहाँ से और 2 घंटा बिताते हैं बैंगलोर, पहुँच जाएगा 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुँच जाएगा। डायरेक्ट पीजी का वो डाला लोकेशन डाला, तो स्ट्रेट हाईवे है 110-120 में स्पीड में ही आ गया आराम से। छोटा सा ढाबा दिखा तो भूल गया, सबसे बेस्ट हमेशा कभी भी हाईवे में रहेगा एक छोटा ढाबा, देखो खाना भी बढ़िया रहेगा, पेट भर के भी मिलेगा और पैसा भी कम रहेगा, सबसे बेस्ट। वही निकलते, कैमरा को तो रखता अंदर रखता क्योंकि हेलमेट में बहुत भारी लगता है, एकदम अंदर अंदर रखता, कहीं रुकेगा तो फिर हम रुके सकता था कुछ अच्छा होगा, कुछ सीनरी दिखाएगा कुछ शायद हम आपको बताता। सो गाइस हियर वी आर एट बैंगलोर, अभी जस्ट टोल गेट क्रॉस करके बस यहाँ पर गाड़ी रोक के सामने वाला जगह में रोक के ऐसी लेट हुआ, वॉशरूम जाता है, वॉशरूम जाकर फिर ऐसी लेटा थोड़ा कमर वगैरह सीधा किया और बस अभी निकलता है और यहाँ से 1 घंटा दिखाता है जबकि 38 किलोमीटर ही है। 38 किलोमीटर भाई आधा घंटा में चले जाएगा लेकिन 1 आवर दिखाते हैं यहाँ से क्योंकि उतना ट्रैफिक है, तो GoPro अंदर रख के हम पहले पहुँच जाता फिर बाद में लॉगिन करता, तो थक तो पूरा गया। और इसको अगर हेलमेट में रख के अगर हम ट्रैफिक में चलाएगा तो उसे गया काम से हम